आज की इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान की मच अवेटेड मूवी द लीजेंड ऑफ मौला जाट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म रिलीज होने के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा चुकी है, लेकिन इस फिल्म को अभी तक इंडिया में रिलीज नहीं किया गया है। और आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि यह फिल्म हम लोग को कब और कहाँ देखने को मिल सकती है। तो अगर आप भी फवाद खान की इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। पाकिस्तान की बहुप्रसिद्ध फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जाट अब भारत में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में पॉपुलर एक्टर फवाद खान ने शानदार अभिनय किया है। फिल्म ने पाकिस्तान में तो रिकॉर्ड कमाई की है, साथ ही पाकिस्तान के बाहर भी इस फिल्म ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। फवाद खान की फिल्म जल्द ही अब भारत में भी दस्तक देने वाली है। जानकारी के मुताबिक पहले यह फिल्म भारत में 23 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसमें बदलाव कर दिया गया है। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार द लीजेंड ऑफ मौला जाट फिल्म अब भारत में 30 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी। पाकिस्तान समेत कई देश में यह फिल्म 13 अक्टूबर 2022 को रिलीज हो गई थी। इस फिल्म ने सिनेमा घरों में ताबड़तोड़ कमाई करते हुए वर्ल्ड वाइड करीब 200 करोड़ का कलेक्शन किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की पहली ऐसी फिल्म है जिसने विश्व स्तर पे इतना शानदार प्रदर्शन किया है। इस फिल्म के मुख्य किरदारों को बड़े पर्दे पे देखने के लिए भारत के लोग भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फवाद खान स्टार द लीजेंड ऑफ मौला जाट 1979 में रिलीज हुई मौला जाट का रीमेक है। इस फिल्म को दिल्ली NCR और पंजाब में रिलीज करने की योजना बनाई जा रही है। पंजाबी पृष्ठभूमि होने के कारण उम्मीद जताई जा रही कि यह फिल्म पंजाब में बेहतर कमाई कर सकती है। इस फिल्म में फवाद खान के साथ अली अब्बासी, हुमा मलिक और माहिरा खान जैसे एक्टर्स ने दमदार अभिनय किया है। अब देखना यह होगा कि यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे क्या कमाल दिखाती है। आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में, हमें कॉमेंट्स करके बताएं। तो फिलहाल के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।